हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग खेती का काम करते हैं, फिर भी जीडीपी में इसका जो योगदान है वो 20% से भी कम है। इसका कारण है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। इसीलिए देश के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर साइंटिफिक रिसर्च में बहुत स्कोप है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर साइंटिस्ट बन सकते हैं, कैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च में आगे जा सकते हैं। दोस्तों, ये आ गए हैं हम, वेबसाइट है asrb.org, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। दोस्तों, हमारे देश के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च का काम करता है, और रिसर्च करने के लिए जो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए उसने एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये उसकी वेबसाइट है। तो हर साल ये साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट करता है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे। तो ये नोटिफिकेशन फॉर ARS 2017, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आप खुद भी उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काम की चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं अभी अप्रैल के अंदर दोस्तों इसका ARS यानी कि एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस बोलते हैं इसको, उसका एग्जाम होने वाला है जिसके थ्रू साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। अप्रैल में इसका एग्जाम होगा। फॉर्म ऑलरेडी इसके मार्च में भरे जा चुके हैं दोस्तों, तो फिर भी हम इसका प्रोसेस जानने के लिए इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी वाइड ब्रांच है, इसके भी बहुत सारी सब ब्रांचेज, बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस है इसमें भी बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख सकते हैं अराउंड 29 डिसिप्लिन्स है जिनके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। आगे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों ARS का, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस का, इसके अंदर आप देख सकते हैं नेशनलिटी वही कॉमन सी जो चीज़ है कि आप इंडिया, नेपाल और भूटान के नागरिक होने चाहिए, और भी कुछ लोग अलाउड है। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एज लिमिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे इस साल के लिए अभी 1 जनवरी 2018 को एज कैलकुलेट होगी, तो वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये है आपके जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की छूट है। तो इसके लिए और आप ज़्यादा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, और भी जो रिलैक्सेशंस कुछ कैटेगरीज को दिया हुआ है उसके लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है ए कैंडिडेट फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस मस्ट होल्ड ए मास्टर्स डिग्री, मास्टर की डिग्री, बैचलर डिग्री से काम नहीं चलेगा, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन द कंसर्न्ड डिसिप्लिन विथ स्पेशलाइजेशन एज डिफाइंड इन अपेंडिक्स 6। तो ये अपेंडिक्स 6 भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस सर्विस के अंदर साइंटिस्ट के पद पे रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन। तो जैसा कि हमने दोस्तों अभी बात किया था कि इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, तो आप जिस डिसिप्लिन के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उस डिसिप्लिन से रिलेटेड आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये एक और नोटिफिकेशन का पेज नंबर 21 है। इसके अंदर डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन के लिए भी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि किस डिसिप्लिन के लिए कौन सी मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, हर के लिए इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है कि किस डिसिप्लिन के लिए कौन सी मास्टर डिग्री चाहिए, कौन सी मास्टर डिग्री वाला किस डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ये पूरा इसने डिटेल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह की पढ़ाई करनी होगी। वो बच्चे जो अभी स्कूल के अंदर है उनके मन में ये सवाल हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च में आगे जाने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 11th के अंदर साइंस सब्जेक्ट चूज करना होगा। आप चाहे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर सकते हैं या मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप बायोलॉजी चूज करें, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो अपने आप में बायोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का ही एक स्ट्रीम है। आप चाहे तो मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मैथ्स वालों को भी एडमिशन दे दिया जाता है, कुछ ऐसे एग्रीकल्चरल के इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं वहाँ पे मैथ्स वालों को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बायो वालों को ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर। आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं, बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी ले सकते हैं। तो फिर आपको 12th करनी होगी साइंस के साथ, और 12th के बाद आपको कोई भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बीएससी के लिए एडमिशन लेना होगा। बीएससी फॉर एग्रीकल्चर, ये 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, और उसके बाद आपको एमएससी करना होगा एग्रीकल्चर के अंदर। आपकी जिसमें इच्छा हो उस स्पेशलाइजेशन के अंदर, उस डिसिप्लिन के अंदर आपकी मास्टर की डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी होते हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो वो भी आप बीटेक और उसके बाद एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, मेनली जो है वो एमएससी जो है उसके लिए ये सर्विस है, उसके लिए साइंटिस्ट की पोस्ट है। तो सबसे पहले आपको 12th जो है वो आपका साइंस से पास आउट करनी पड़ेगी। 12th के बाद आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, उसके बाद एमएससी इन एग्रीकल्चर करना होगा। ठीक है, थोड़ा दोस्तों इस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम जो है इसके 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। जो प्री होता है दोस्तों, ये 2 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स का होता है। ये जो होता है ये कंप्यूटर पर होता है, कंप्यूटर पर ये आपको पेपर देना होता है, 150 मार्क्स का होता है। और ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आगे के स्टेजेस के अंदर इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, केवल आगे के स्टेज में पहुंचने के लिए इसमें मार्क्स आपको लाने हैं, ताकि आप आगे के स्टेज में पहुंच जाएं। ठीक है, इसके बाद जो इसका मेंस एग्ज़ाम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे उसका फाइनल, आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये 240 मार्क्स का होता है, और ये पेपर और पेन का एग्ज़ाम होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए, बी, सी। तो इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल जो है वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, कुछ प्रीवियस पेपर्स भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो लोग मेंस क्लियर करेंगे उनका 60 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 240 नंबर का मेंस एग्ज़ाम, 60 नंबर का इंटरव्यू, 300 नंबर के बेसिस पे फिर जितनी भी वैकेंसी होती है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए टोटल 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, जो ओबीसी वाले होते हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट होते हैं, जो एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए लिमिट नहीं है, वो कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि ये जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड किस तरह से साइंटिस्ट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट करता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसके अलावा भी आपके दिमाग में और कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।